अच्छा आप जो रिपोर्टिंग करते हैं बहुत अच्छा करते हैं रिपोर्टिंग। अच्छा आपको सामने देखकर बहुत खुशी हुआ। बहुत ही खुशी हो रहा है देख के। क्या बात है, तो कहाँ के रहने वाले हो? हम रहने वाले पटना के, पढ़ते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सुपौल। सुपौल में? हाँ सुपौल। हम गया के हैं। गया के? और आप? हम गणपतगंज के। गणपतगंज समस्तीपुर पटना। अजी पूरा तो बिहार खड़ा है यहाँ पे। सुपौल से। सुपौल से। और आप? खगड़िया। खगड़िया से। जिसने खगड़िया नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। अभी स्टूडेंट पावर अभी यही है सब सारे लोग यहीं पे। तो इस बार क्या होने वाला है? इस बार देखिए चुनावी माहौल अभी चल रहा है तो बताइए। अभी तो सत्ता तो मोदी आएंगे बट हम पूर्ण बहुमत से नहीं आए। पूर्ण बहुमत से नहीं आएंगे तो विपक्ष हावी रहेगा, काम करेंगे अच्छा हो। अच्छा उम्मीद है 400 नहीं आए, 400 प्लस का टारगेट लेके चल रहे हैं। 200 से 225 के बीच में आएगा तब देश एक अच्छा हाथ में रहेगा। डेमोक्रेसी का मतलब होगा अच्छे हाथ में रहेगा। तो सरकार तो बना दो 225 में कहाँ मिलेगा? सरकार बनाओ तब ना उन पे प्रेशर रहेगा, तो प्रेशर रहेगा तो आगे काम करेंगे ना। अगर अच्छा मतलब आपका कहना 400 वाला नारा ठीक नहीं? नहीं है, 200 से 225 ठीक है। हम भी यही सहमत है भैया। मेजोरिटी तो क्या कर रहे हैं? हम अभी डिप्लोमा कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम लोग डिप्लोमा कर रहे थे। और आपका क्या मत है? हमारा भी यही मत, सहमत है कि विपक्ष मजबूत रहेगा तभी सत्ता पक्ष मजबूत रहेगा। विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है, नहीं तो देश में निरंकुशता आ जाएगी एकदम पूरी पूरी। और एक सशक्त लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। हाँ अत्यंत आवश्यक है। माने काजी ये जो भूमि है बिहार, ये जनतंत्र की भूमि है, वो अपने हिसाब से तय करती है। जी नमस्ते, आपके हिसाब से क्या है? इस बार तो पूरी तरह से बीजेपी में है, मोदी में है। और आप 400 का बार्गेन आ रहा है? एकदम बिल्कुल सही है, बिल्कुल एकदम सही है। अच्छा देश के विकास के लिए जरूरी है। अच्छा हाँ जी सर, हम आपका बहुत बड़ा फेवरेट है। आपका हम बहुत बड़ा फेवरेट है जी, तो आप हमारे फेवरेट हैं जी सर। आपका शो हम प्रत्येक शो को देखते हैं, फेवरेट है जी। आपका जो बोलने का जो अदा है, सवाल करने का जो अदा है, उससे हम उसका हम एकदम कायल है सर। थोड़ा सा आप मीडिया के माध्यम से सर रोजगार का भी मुद्दा थोड़ा सा उठ जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। थोड़ा नहीं ज्यादा। हाँ सर, सरकार सर हिंदू मुस्लिम में परेशान है सर। युवा सर उत्तर प्रदेश से सर आके यहाँ रोजगार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं सर, इससे बड़ा बाबा की दुर्दशा क्या होगी सर। हम उत्तर प्रदेश से आके यहाँ रोजगार कर रहे हैं, टीचर हैं सर, और वहाँ कह रहा है सब कुछ बराबर है, अनुपात बराबर, समानुपात। और पिछले 6 सालों से सर कोई भर्ती नहीं आई है, और कम से कम 2 लाख टीचर की भर्ती यूपी में खाली है। लेकिन उतनी ही बेशर्मी के साथ शिक्षा मंत्री जी सदन में जाके कहते हैं कि अनुपात बराबर समानुपात, हमारे यहाँ शिक्षक की कोई भर्ती नहीं है। क्या होगा, अब किसके हाथ में है, क्या देखने गया है? देखने किया गया है, तुम अपना बताओ, बाकी दूसरे को छोड़ो, अपना बताओ। हम अपना क्या बतावे, जिन्हें देखेंगे बेसी वोट उन्हें दे देंगे, जिधर बहती हुई गंगा उधर ही चल देंगे। क्या करेंगे हम लोग, जहाँ गंगा बह रही वही चल देंगे। हाँ जी अपना टेलीकास्ट बहुत दिन से देखे हुए हैं, तो हिला के रखते हैं, एकदम हिला के रखते हैं। वाह, तो क्या चल रहा है इधर? वही है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, पूरे पूरे विश्व वही, आज पर पूरे इंडिया का वही कहानी है। क्या कहानी है? कमल छाप पूरे विश्व में चल रही है। नहीं हाँ, नहीं अपने अपने इंडिया में, इंडिया में चल रही है। नाम हो गया सर, कैसे हैं सर? प्रणाम भैया, आपके फैन है सर, उत्तराखंड से हूँ। अरे उत्तराखंड से देखा तो रुक गया इधर। तो यहाँ क्या करते हो? यहाँ पे सर बोट चलाता हूँ, ये तालाब है ना यहाँ। अच्छा बोट चलाते हो, रहने वाले उत्तराखंड में कहाँ के हो? टिहरी गढ़वाल सर। अरे वाह वाह वाह, टिहरी गढ़वाल पाजी, क्या बात है। टिहरी वहाँ भी तो झील बन गई, डैम है ना।